महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के गंधवटी घाट के समीप दुर्दरेश्वर महादेव 84 महादेवों में 70वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन युग में नेपाल में दुर्दर्श नाम का एक पुण्यवान राजा था। उसके 3 रानियां थी। एक बार वह मृग्या करते करते एक जंगल में एक जलाशय पर पहुंचा। वहां उसने एक सुंदर कन्या देखी। राजा उस पर मोहित हो गया। कन्या ने उसके पास आकर कहा, मैं कल्प नामक तपस्वी की कन्या हूं, आप मेरे पिता से कहेंगे तो वे मुझे आपको दे देंगे। राजा ने उस तपस्वी से उसकी कन्या के विवाह हेतु याचना की। तपस्वी ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या राजा को दे दी। तब राजा वहीं तपस्वी के आश्रम में रहने लगा, अपनी राजधानी को भूल गया। एक दिन वहां एक राक्षस आया और उसने उस कन्या का अपहरण कर लिया। इस पर राजा उन्मत्त हो गया। तब वह तपस्वी वहां आया और उसने राजा को आश्वासन दिया, यह सब भाग्य का प्रभाव है, राजन चिंता मत करो, पहले आप नेपाल जाओ, वहां से महाकाल वन में आओ। वहां शिप्रा किनारे ब्रह्मेश्वर के पश्चिम में एक लिंग है, उसके दर्शन मात्र से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तब राजा नेपाल गया। वहां से अपने परिवार के साथ शिप्रा के तट पर आया। उसने सूर्य द्वारा पूजित उस लिंग के दर्शन किए, लिंग की विधि पूर्वक पूजा की। राजा ने देखा कि वह तपस्वी कन्या वहां उपस्थित है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब लिंग में से आवाज आई, यह विश्वावसु की कन्या है, तपस्वी कल्प ने आपके लिए ही इसको बड़ा किया है, तुम्हारी इस पत्नी को मैं ही राक्षस से मारकर लाया हूं, आप इसे ग्रहण करें तथा निष्कंटक राज्य करें। तब राजा अपने परिवार सहित नेपाल लौट गया। दुर्दर्श राजा से पूजित होने के कारण यह लिंग दुर्दर्श कहलाया। संक्रांति, रविवार, सूर्य, चंद्र ग्रहण पर जो इसकी पूजा करते हैं वे शिव लोक को प्राप्त होते हैं। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।